एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं कैंडिड फ्रूट बार रवा मग केक, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, उसके साथ साथ वो हेल्दी भी हैं और इन्हें बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आज हम जो बनाएंगे ये हम बनाएंगे माइक्रोवेव में, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी मग केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, जिसमें हम ऐड कर देंगे मेल्टेड बटर, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कर्ड, ये मैंने फ्रेश कर्ड ली है। इसको हम अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सेमोलिना सूजी, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा, इसको हम अब मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की होनी चाहिए, आप देख रहे होंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर या येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने रोस्टेड आलमंड और कैश्यू लिए हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये मैंने टूटी फ्रूटी लिए है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई कीवी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई मैंने मैंगो लिया है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ आप ड्राई फ्रूट्स और ये टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। ये कुछ मैंने बचा लिए हैं, जिनको हम ऊपर से गार्निश करेंगे अपने मग केक में। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब मैंने लिए हैं ये मग। अब हम अपना जो बैटर है वो इसके अंदर फिल कर देंगे, ये हमें हाफ ही फिल करना है। ये देखिए, ये हमने फिल कर लिए हैं। अब हम इसमें ऊपर से थोड़े से ये गार्निश कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इनको माइक्रोवेव करेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारे मग केक माइक्रोवेव हो रहे हैं, हमने इन्हें रख दिया है। ये देखिए, हमारे कैंडिड फ्रूट बार रवा मग केक बनके तैयार हो गए हैं। इन्हें बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से स्पॉन्जी हुआ है एकदम, आप देख रहे होंगे। आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।